हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। डिफेंस अपडेट भारत पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, फिर दो नए बड़े अपडेट को लेके मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज का पहला अपडेट में बात करेंगे भारत और वियतनाम संयुक्त रूप से पायलटों को ट्रेनिंग देना, शिप को डेवलप करना, सबमरीन में सहयोग की तलाश करेंगे। और सेकेंड अपडेट में बात करेंगे हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती चीन गतिविधियों को रोक देने के लिए भारत करीबी 12 देशों में कोस्टल सर्वेलांस राडार को स्थापित करेगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। डिफेंस कॉरपोरेशन में भारत और वियतनाम संबंधित एयरफोर्स के पायलटों के संयुक्त प्रशिक्षण और यूएन में शांति अभियानों में तैनात किया जाने वाले फोर्सेस के प्रशिक्षण पर सहमति व्यक्त की है। ये शुक्रवार को होने वाले डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह और वियतनाम डिफेंस मिनिस्ट्री जनरल गोजोहान लीज के बीच एक वर्चुअल मीटिंग या आभासी मुलाकात में एक महत्वपूर्ण परिणाम था। दोनों मंत्रियों के तरफ से ये कहा गया कि वर्तमान चल रही विभिन्न परियोजना और द्विपक्षीय रक्षा के भविष्य को लेकर ये बातचीत दोनों देशों के तरफ से आगे लिया जा रहा है। दोनों देशों ने समुद्र में सबमरीन की तहत जहाज निर्माण, सरफेस एंड सब सरफेस कैपेबिलिटी जैसे डिफेंस कॉरपोरेशन में नई डोमेन में भी सहयोग करेंगे। हमारे न्यू दिल्ली के तरफ से पहले से ही वियतनाम की घरेलू रक्षा मैन्युफैक्चरर्स को मजबूत करने के लिए 600 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन भी वियतनाम के लिए लागू किया है। और ये क्रेडिट लाइन पर वियतनाम भारत से डिफेंस वेपन को आयात कर सकता है। साथ साथ वियतनाम के साथ हाइड्रोग्राफी कॉरपोरेशन पर भी समझौता किया गया है। और वियतनाम डिफेंस मिनिस्ट्री के तरफ से वियतनाम के द्वारा 10 दिसंबर को डिफेंस मिनिस्ट्री मीटिंग को वर्चुअल मोड के माध्यम से आयोजित करने के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री को निमंत्रण किया गया है। इसी तरह डिफेंस अपडेट देखने के लिए डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे भी प्रेस कीजिए। अब नंबर 2 अपडेट पे बात करते हैं, चीन पर नजर। जी हां, भारत के तरफ से चाइनीज आर्मी नेवी को नजर के साथ साथ काउंटर करने के लिए कोस्टल राडार स्थापित किया जा रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में, जिसे हम इंडियन ओशन रीजन या IOR कहते हैं। इसी क्षेत्र में चीन के प्रभाव विस्तार और बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत अपनी नीति के हिस्से के रूप में पड़ोस में कोस्टल राडार सिस्टम को स्थापित करने जा रहा है, जो कि ये मित्रों देशों में सुरक्षा उपायों में वृद्धि करेगा। जबकि सी सर्वेलांस के लिए राडार को श्रीलंका, मॉरिशस और सेचेल्स में पहले से लगाया गया है। और हमारे भारत के तरफ से बहुत जल्द ही मालदीप, म्यांमार और बांग्लादेश में ये कोस्टल सर्वेलांस राडार को स्थापित किया जाएगा। और ये रिपोर्ट सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट सोर्सेस ने कहा है। साथ साथ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 12 और अन्य देशों में भी ये राडार को लगाया जाएगा। जी हाँ, और ये कोस्टल सर्वेलांस राडार छोटे नौकाओं, मछली पकड़ने के शिप को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। साथ साथ हिंद महासागर में एनी इलीगली एक्टिविटीज को भी ट्रैक कर सकता है। और स्पेशल इसे देखते ही हमारे भारत पड़ोसियों के साथ सहायता को बढ़ाना चाहता है। जैसे कि हाल ही में हम म्यांमार को एक सबमरीन भी प्रोवाइड किए हैं, जो कि हमारे INS सुधीर था। और ये सबमरीन म्यांमार नाभाल फोर्सेस का पहला सबमरीन है। और ये सब एक्टिविटीज के लिए हमारे भारत हिंद महासागर क्षेत्र में चाइना के लिए एक बड़ा टेंशन रहेगा। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको जरूर अच्छा लगा होगा। तो एक बड़ा थम्स अप दीजिए, डिफेंस अपडेट भारत को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।